कार्यक्रम की पुण्यार्जक हैं श्रीमती शशि लोहाड़िया धर्मपत्नी श्री अनिल लोहाड़िया मुरादाबाद, श्रीमती वर्षा जैन धर्मपत्नी श्री विकास जैन गुड़गांव, श्रीमती उमा जैन धर्मपत्नी श्री योगेश जैन गुड़गांव, राजकुमार जैन, मधु जैन, मनोज जैन, रूबी जैन, अजय जैन, पायल जैन, अक्षत जैन, अर्पण जैन, प्रेरणा जैन व आन्या जैन, श्रीमती रीटा जैन धर्मपत्नी श्री नरेश जैन, चंद्रनगर अजमेर। परम पूज्य वात्सल्य मूर्ति जिन धर्म प्रभाविका आरिका रत्न 105 सृष्टि भूषण माता जी की मंगल प्रेरणा एवं आशीर्वाद से तीर्थराज श्री समीद शिखर जी ने चतुर्विध संघ की आहार विहार पिच्छी कमंडल वस्त्र एवं शास्त्र इत्यादि की व्यवस्था विगत कई वर्षों से सुचारू रूप से की जा रही है। इस पुनीत कार्य से जुड़कर आप भी घर बैठे धर्म लाभ उठा सकते हैं। सामान्य सदस्यता 21,000 रुपए मात्र, सदस्यता एक वर्ष के लिए 11,000 रुपए मात्र, एक दिन की आहार व्यवस्था 2100 रुपए मात्र। आप अपनी दान राशि निम्नलिखित खाते में जमा करा सकते हैं। अकाउंट नेम सृष्टि मंगलम फाउंडेशन, बैंक स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, अकाउंट नंबर 3840262185, IFS कोड SBIN00631, अकाउंट नेम सृष्टि मंगलम फाउंडेशन, बैंक ICICI बैंक, अकाउंट नंबर 02500500528, IFS कोड ICICI00250। पतझड़ का पीला पान है आदमी, पतझड़ का पीला पान है आदमी, सतत सांसों का गतिमान है आदमी, बचपन जवानी और बुढ़ापे तो बीच के पड़ाव हैं, सच पूछो तो मौत का मेहमान है आदमी, सच पूछो तो मौत का मेहमान है आदमी। आदमी मेहमान है, वो मेहमान महिमा के साथ चला जाए तो सच्चा मेहमान है, और यदि अपमान के साथ जाए तो शैतान है। मेहमान इसलिए कहा है कि उसकी महिमा होती है। कुछ लोग होते हैं जो जल्दी आते हैं देर से जाते हैं, कुछ होते हैं देर से आते हैं देर से जाते हैं, कुछ होता है कि देर से आते हैं लेकिन जल्दी चले जाते हैं। वही मेहमान सबसे अच्छा लगता है ना, जो देर से आए और जल्दी जल्दी चला जाए। सच्चाई यही है, देखो दुनिया का रीति रिवाज यही है, क्योंकि कहते हैं कि एक दिन का पावना दूसरे दिन का पई, और बाद में रही तो बेश्रम कही, बाद में रही तो बेश्रम कही, क्योंकि दुनिया का रिवाज है। मेहमान किसे कहते हैं जो आपके घर में कोई दखलंदाजी नहीं देता है। मेहमान उससे कहते हैं जब आप कह देते हैं तो खाने पे आ जाता है और चुपचाप अच्छे से हंसी खुशी से राजी खुशी पूछता और चला जाता है। जिंदगी जन्म सबको मिलता है, लेकिन जीवन किसी किसी को मिलता है। कोई जीवन को महाजीवन बना देता है और कोई महानर्क बना देता है। कल स्वाध्याय में आया था कि नर्क किसे कहते हैं, जहां संकलिश हो, वैमनस्य हो, ईर्षा हो, उसे नर्क कहते हैं। आज सच बताना, हर घर नरक नहीं हो गए क्या? ना रहता इतनी नार का, जहां नहीं रहना चाहिए और रहना पड़े वो नरक हो गया। और नरक किसी दूसरे ने नहीं बनाया। हमेशा हम कहते हैं वो ऐसा, उसने मेरे साथ ऐसा कर दिया, उसने मेरे साथ ऐसा कर दिया, और उससे पूछो तो वो कहेगा इसने कर दिया। अरे करा किसने? लोग कहते हैं भाई भाई में बंटवारा होगा। मैं कहती भाई भाई का बंटवारा क्यों होगा? क्यों, दो भाई मिलकर नहीं रह सकते? चार भाई मिलकर नहीं रह सकते क्या? सिर्फ सब्र रखो। सब्र की ताकत वो है सब्र और संतोष की। ये हम लोगों ने, लोग कहते मोह क्या है, मैंने कि अपने का ममत्व, अपने के प्रति तुम अंधे हो जाते हो, अपनों के मोह में अंधे हो जाते हो, यही मोह है। मोह सबसे, प्रेम सबसे करो ना, प्रेम सबसे हो जाता है, लेकिन मोह कहता है मेरे बच्चों का क्या होगा, मेरा क्या होगा, अरे मेरा क्या होगा। साधु संत जीवन सिर्फ इतना सा है। आज हमारे आचार्य श्री का जन्मदिन है, कहते हैं प्रेम का पाठ पढ़ाने आ गए हैं, प्रेम का पाठ पढ़ाने आए थे और दुनिया को सत्य अहिंसा का पाठ पढ़ाने आए थे। और जीवन में आते तो कई लोग हैं, लेकिन वो तो सच पूछो भगवान बनकर आए थे, वो तो भगवान बनकर आए थे। जो आज हमारे बीच नहीं,
पर समय जिन्हें दोहराता है, जिनको पाकर के स्वर्ग आज अब फूला नहीं समाता है। हर लिया काल ने काया को, पर ज्योति आज भी जिंदा है, जो स्वर्गों से है झांक रही, करती हमको शर्मिंदा है, करती हमको शर्मिंदा है। क्योंकि मौत सबको आती है, लेकिन गुरुओं के गुणगान किए जाते हैं, क्योंकि जो दूसरों के लिए जीते हैं। बड़ी अच्छी एक चौपाई भी आई है कि नदी अपना पानी नहीं पीती है, वृक्ष अपना फल नहीं खाते हैं, और संत अपने लिए नहीं जीते हैं। संत दुनिया के पथ प्रदर्शक की तरह होते हैं, सूर्य की तरह होते हैं, प्रकाश देते हैं लोगों को और जीवन दान देते हैं, वही जीवन देते हैं। ये जीवन तो जिससे तुम जन्म मानते हो, वो तो निगोदिया जीव के भी हो जाता है, क्या बड़ी बात है। और तुमसे ज्यादा बार हो जाता है, एक सांस में अट दस बार जन्म मरो भरो दुख बार। आज किसी से कहो मंदिर आएकर, बोले मरने का टाइम नहीं मिलता है हमने, की चिंता मत करना, अगले बार में कुछ करने का टाइम नहीं मिलेगा, सिर्फ मरने ही मरने का टाइम मिलेगा। क्योंकि अभी मरने का टाइम नहीं मिलता, अगले जन्म में मरने के अलावा कुछ करने का टाइम नहीं मिलेगा। इतनी बार मरोगे, क्यों मरोगे? क्योंकि जाकी रही भाविना जैसी, ताने संपत्ति पाई तैसी। हमारे गुरुदेव के पास हम कभी भी जाते थे तो हमें वो कभी समस्या ही में नजर नहीं आते थे। कितना हम लोग कभी कभी कोई बात हो गई, किसी ने कुछ कह दिया तो हम लोग भले टेंशन कर लें, वो कहते थे चलो सब चलता है, सब चलता है, काहे को दिमाग खराब करते हो। माने आप सोचो उनसे कोई कुछ कह दे, इतनी सरलता इतनी सहजता थी कि मैं सोचती हूँ आज के समय में बहुत कम लोगों में पाई जाती है। इतने महान आचार्य होकर कहीं भी बैठ जाते थे, कहीं का मतलब पत्थरों पर है, रेत पर है, और आनंद से हम लोग कहते फाटा रे हो गया, सब फाटा, एक दिन मिट्टी में मिलना है। और जिसको जीवन भर मौत याद रहती है वो क्या होता है, वो वास्तव में मौत के समय भी मुस्कुराता हुआ मरता है। और हम आप सबको जीवन मिलता है, लेकिन कोई आनंद में गुजार देता है और कोई विषाद में गुजार देता है, कोई इसे प्रमाद में गुजार देता है, कोई प्रसाद में गुजार देता है। जो अपने जीवन पर ये सोचते हैं, एक एक सांस करोड़ों की कीमत से भी ज्यादा है, अभी पता नहीं चलता। आखिरी टाइम में जब आप बिल्कुल आखिरी सांस गिन रहे होगे, तो बेटा नोट का बंडल भी लेकर जाएगा तो डॉक्टर कहेगा सॉरी अब कुछ नहीं हो सकता है। लेकिन आचार्य कहते पहले ही सॉरी और ही होती तो मरने का वक्त ही नहीं आता, मरण तुम्हारा निर्वाण हो जाता। सॉरी यानी पहले ही क्षमा भाव लाए होते। आजकल तो लोगों की जवान पर ऐसी है कि पता ही नहीं कब किसको सॉरी बोल देता है, बस गलती भी करेगा बोले सॉरी, अरे काहे की सॉरी, पहले विवेक से किया होता तो सॉरी बोलने की जरूरत पड़ती क्या? किसी को बोलते था थैंक यू, अरे धन्यवाद, तो सोचो किसको बोल रहे हो, माँ को तुम धन्यवाद बोल रहे हो, माँ तो पूजने के होगे, माँ को तुम क्या धन्यवाद दोगे, माँ ने तो तुम्हें सारा जीवन दिया है। इसलिए आज के समय में हर आदमी दुखी है। क्यों दुखी है? अभी आपने सुना कि भय के कारण दुखी है, मैं कहती हूँ भय से ज्यादा भी दुखी है, प्रेम से ज्यादा दुखी है। प्रेम पाना चाहता है, देना नहीं चाहता है, और जब देने का भाव आ जाएगा तो प्रेम तो उस वृक्ष की तरह है जो अमृत के फल देता है। प्रेम में जहां ईर्ष्या और कलेश आता है, प्रेम में जहां अहंकार आता है, ध्यान रखना अहंकार होता है मेरे को पूछा नहीं, मेरे को तो मिलनी नहीं कराई, मेरे तो पैर नहीं पुजवाए, मेरे यहाँ तो निमंत्रण देने नहीं आए, बहुत सारी बातें आ जाती हैं। क्योंकि अहंकार होता है वो तर्क करता है, अहंकार होता है वो नर्क पैदा करता है, और जहां समर्पण होता है वहां देने का भाव आता है। देखना जब तक किसी से प्रेम होता है तो आप इतनी सी चीज भी होगी कहेंगे नहीं उनको दे देंगे। एक रूमाल भी प्रेम का होता है तो क्या कहते हो,
उसे संभाल कर रखते, अब तो प्रेम ही खत्म हो गए, अब तो संवेदना ही खत्म हो गई। क्यों? क्योंकि पहले रिश्ते रिश्ते थे। कौन कहता है, आज के समय की बात है, कौन कहता है कि रिश्ते खिदमत के लिए होते हैं? अरे रिश्ते तो सिर्फ स्वार्थ के लिए होते हैं। पैसा होता है तो दूर का रिश्ता भी खास होता है, और पैसा नहीं हो तो अपना भी दूर होता है। आपने देखा होगा जब पैसा होता बोले हमारे खास आदमी है, और यदि कोई गलत काम में पकड़ा जाए हमारा थे तो हमारे, हमारा कोई लेन देन नहीं है। क्योंकि बनी पर देखिए लाखों निसार होते हैं, बनी पर देखिए लाखों निसार होते हैं, और बनी बिगड़ती है तो दुश्मन हजार होते हैं। सुकरात के लिए जहर पीसा जा रहा था, उनके मित्रों ने आकर कहा सुकरात एक अच्छी खबर है। उन्होंने कहा क्या खबर है? कहने लगे सम्राट कह रहे हैं यदि तुम सत्य कहना छोड़ दोगे तो तुम्हें मृत्यु दंड नहीं दिया जाएगा। उन्होंने कहा क्या गारंटी है कि फिर मुझे मौत नहीं आएगी? उनकी मौत तो आती है एक दिन, लेकिन अभी तो नहीं आएगी। उनने कहा कि यदि असत्य के साथ जीऊंगा तो मौत से बदतर है, फिर तो मरना ही ठीक है। कम से कम स्वाभिमान तो रहेगा कि सत्य के लिए मरा था, मरने दो मुझे दिक्कत नहीं है। और वो जहर पीस रहे थे, अंदर जहर पीसा जा रहा था। सुकरात बार बार पूछ रहे थे पूछो कितनी देर है, इतनी देर क्यों लगा रहे हैं? उससे जाकर कहा कि कितनी देर है? तो मित्रों ने तो रोते रोते पूछा। सुकरात कहने लगे रोते क्यों हो? तो जहर पीसने वाला कहने लगा कैसा आदमी है सुकरात, अरे मैं आराम से जहर पीस रहा हूं ताकि थोड़ी देर और बच जाए, और आप कैसे हो? मैं जहर पीस रहा हूं, आप बार बार पूछवाते हो और कितनी देर है और कितनी देर है। उन्होंने कहा जिंदगी को तो देख लिया, मौत को देखना चाहता हूं। मौत वैसे अधिकांश लोगों की बेहोशी में आती है, अचानक आती है, लेकिन मैं ये देखना चाहता हूं कि इस चोले के बाहर भी कुछ है। और कहते हैं कि उन्होंने कहा, लोगों ने कहा कितनी दुख की बात है, आप कैसे पागल हो गए कि आप बार बार पूछ रहे, सदमा लग गया? उन्होंने कहा सदमा नहीं, सदमा किसको लगता है, धर्मात्मा को कोई सदमा नहीं लगता है। दृष्टि मंगलम बन के संगठन देता यह पैगाम है, दृष्टि मंगलम बन के संगठन देता यह पैगाम है। संघ चतुर्विध की सेवा श्रावक का धर्म प्रधान है, संघ चतुर्विध की सेवा श्रावक का धर्म प्रधान है। सृष्टि भूषण जी की प्रेरणा का ये शुभ परिणाम है, सृष्टि भूषण जी की प्रेरणा का ये शुभ परिणाम है। संघ चतुर्विध की सेवा श्रावक का धर्म प्रधान है, संघ चतुर्विध की सेवा श्रावक का धर्म प्रधान है। जो सदा संकल्पित है, वर्षों से संकल्पित है, आदिनाथ सृष्टि आदर्श सेवा समिति संचालित है, सेवा समिति संचालित है। सम्मेद शिखर में शोभित साधु सेवा में समर्पित, सम्मेद शिखर में शोभित साधु सेवा में समर्पित। करे साधकों की चर्या में जो भी व्यवधान है, दूर करे साधकों की चर्या में जो भी व्यवधान है। संघ चतुर्विध की सेवा श्रावक का धर्म प्रधान है, संघ चतुर्विध की सेवा श्रावक का धर्म प्रधान है। क्षेत्रों में
मगर साधु संतों की योग व्यवस्था न होने के कारण से उन्हें नाना प्रकार से आतुरता व्याकुलता का सामना करना पड़ता था। 1988 में आचार्य समसागर जी का आगमन हुआ, उन्होंने यह अव्यवस्था देखी तो उस समय त्यागपति आश्रम की स्थापना की थी और उसी के उस समय पश्चात में 12 वर्ष निकलने के पश्चात में उनकी शिष्य की शिष्या सृष्टि भूषण माता जी का आचार्य से समसागर त्यागपति आश्रम में वर्षा योग हुआ, चतुर्मास हुआ। उन्होंने देखा कि एक मुनिराज पर्वतराज की वंदना करके आए, 2 बज गए 2:30 बज गए, उसमें उनकी किसी प्रकार से आराधी व्यवस्था नहीं हो पा रही थी। माता जी ने अपने संघर्ष लोगों को निर्देश देकर के तत्क्षण ही कुछ ही मिनटों में उनकी व्यवस्था आदि करवाई और उस समय माता जी ने अपने जीवन में संकल्प कर लिया कि निर्माण भूमि शाश्वत निर्माण भूमि समय से गए है, यहाँ पर संतजन मुनिजन गुरुजन रत्न के धारियों को गुरुजनों को कभी किसी प्रकार से आतुलता का व्याकुलता का सामना न करना पड़े, इस हेतु जो भी करना पड़ेगा लेकिन शाश्वत निर्माण भूमि पर संतों मुनियों गुरुओं के शुद्ध आहार की व्यवस्था उन्होंने अपने हाथ में ली, बीड़ा उठाया और उसी का परिणाम है माता जी ने संकल्प किया और उसी संकल्प के अंतर्गत षष्ठी मंगलम फाउंडेशन की स्थापना की और उस फाउंडेशन के अंतर्गत 20 वर्षों से निरंतर ही संतों मुनियों गुरुओं के आहार की व्यवस्था होती हुई यहाँ आ रही है, जहाँ पर बड़ी भक्ति के भाव के साथ में बड़े आनंद के भाव के साथ में साधु संतों की अनुकूलता के अनुसार उनके आहार आदि की व्यवस्था तो हुआ ही करती है। आप अपनी दान राशि निम्नलिखित खाते में जमा करा सकते हैं। अकाउंट नेम सृष्टि मंगलम फाउंडेशन, बैंक स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, अकाउंट नंबर 3840262185, IFS कोड SBIN 0000631, अकाउंट नेम सृष्टि मंगलम फाउंडेशन, बैंक ICICI बैंक, अकाउंट नंबर 02500500528, IFS कोड ICICI 0000250। इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक हैं श्रीमती जैनमती जोराव मल पहाड़िया जैन मलाड मुंबई, श्रीमती विमला देवी जैन धर्मपत्नी स्वर्गीय श्री सत्यभूषण जैन, पुत्र श्री जिनेन्द्र जैन, श्री राजेश जैन, श्री राकेश जैन, श्री दिनेश जैन हांसी हरियाणा, श्रीमान हरीश लता जैन बागड़ा मानसरोवर जयपुर राजस्थान, श्रीमती त्रिशला जैन धर्मपत्नी श्रीमान ओम प्रकाश जैन नोएडा, पुत्र श्री मयंक कुमार जैन एडिलेड ऑस्ट्रेलिया, श्री रमेश लाल चूरण लाल जैन, सौभाग्यवती सरोज रमेश लाल जैन शिरपुर धुलिया महाराष्ट्र, पुत्र श्री जयेश जैन ह्यूस्टन टेक्सास अमेरिका।